लड़ रहे हैं ना मेरे आगे तो ही थे तीन है वो भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसपे उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के अहकाम जो है वो जारी किए जाने चाहिए थे लेकिन क्योंकि उनकी उम्मीदों के बरक्स ये फैसला आया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मुसलसल नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद अभी इकट्ठी हो चुकी है जिसमें खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसके अलावा जो मेल कारकुनान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो मुसलसल जो है वो फैसला सुनने के बाद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि उनको रिहाई के अहकाम जारी किए जाएं। उनके जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर आज इकट्ठा होने में कामयाब हुए क्योंकि आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद जो है फैसला उनके हक में आएगा और जो फैसला उनके हक में आ जाएगा जिसके बाद उनको रिहाई के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे लेकिन क्योंकि फैसला उनके हक में नहीं आया है तो जिसके बाद से मुसलसल यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कोई मरकजी लीडर भी मौजूद नहीं है। नादिया खटक और दीगर लोगों को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। खवातीन की जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद उनकी यहाँ पर पहुँची है। उसके अलावा यहाँ पर उनके जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उस पर जो प्ले कार्ड उठा रखे हैं उस पर भी यही नारे दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज है और हम अपना जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और तमाम आज इस वक्त जो सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है लेकिन जो कारकुनान हैं उनको रोका नहीं जा रहा नारेबाजी करने से। जो पुलिस तैनात की गई है वो सिर्फ